सबसे पहले तो मैं वार्निंग देना चाहता हूँ कि दिस वीडियो इज फ्रॉम वॉइस ओवर मैन और इनके वीडियोस कभी भी फैमिली फ्रेंडली नहीं होते हैं। आप फैमिली के साथ देख तो सकते हो लेकिन इट कैन बी अ वेरी अनकंफर्टेबल एक्सपीरियंस फॉर यू। तो मेरी मानो, अपने अपने हेडफोन्स लगा लो एंड लेट्स एंजॉय। जी हाँ, आज हमारे साथ जो मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं उनका फिल्टर बचपन में ही टूट गया था, लेकिन क्योंकि ये है बेबी डॉल और वो भी सोने की, इसलिए इनका मुंह पट होना लोग बर्दाश्त कर लेते हैं। इनमें और मेरे में एक और चीज़ कॉमन है गुलबदन होने के अलावा, और वो ये है कि हम दोनों जहाज में लोगों की वीडियोस बनाते हैं। क्या? मैं एरोसेसों की और ये ना मेरम मर्दों की। मैं भूल गया था कितना रिडिकुलस होता है। आइए मिलते हैं इस सोशल मीडिया सेंसेशन, ड्रामा क्वीन, साइको डिवा, जनान से परवास तक, अहमद से आहत तक, मेरे बच्चों की फ्यूचर स्टेप मदर मिस हानिया आमिर। बहुत अच्छा है, आपने लड़कों को अपनी उंगली पे नचवाने का आर्ट कहाँ से सीखा? क्या आपने कोई ऑनलाइन कोर्स किया है लड़कियों को घुमाने का? कुछ नेचुरली होता है, मैंने तो इतना क्यूट फेस हो रहा है, सब कुछ नेचुरली होगा, जेनेटिक्स में शायद। आप ये बताएं कि वैसे तो आप नन्ही सी हैं लेकिन जब आप शादी करेंगी तो किस टाइप के लड़के से शादी करेंगी? लड़का लोडेड हो यानी कि मालदार हो, लड़के के 12 पैक्स हों आजकल जिस तरह एक्स्ट्रा शेरोज के, नहीं यहाँ भी मसल है, या फिरोज टाइप हो। नंबर 3, लड़का आपका नौकर / स्लेव बन के रहने को तैयार हो कि वो आपकी खिदमत करे और ये करो वो करो डांस करो स्ट्रिप करो इस टाइप की चीज़ें, या फिर लड़के की फ्रेंच बियर्ड हो और डैड बॉर्ड हो। नहीं, गुड लुकिंग हो, हाँ 12-1 पैक हो, पैसे मैं कमा लेती हूँ, नाच खुद हो लेगा, काम शाम मैं अच्छी हूँ कर लेगा मेरे लिए। हाँ नहीं आमिर, हम खेलते हैं ट्रू और फॉल्स, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आपसे कोई स्पाइसी जवाब निकल रहा नहीं है। ठीक है जी, ओके। नंबर 1, मैं इंडस्ट्री में आई हूँ लोगों का ब्रेकअप कराने के लिए। बिलाल अशरफ ने कभी मुझ पर लाइन नहीं मारी। ट्रू। क्या बात करी है यार? नहीं नहीं ट्रू। अरे वो जिंदा लड़की को छोड़ता है? नहीं, और गुलबदन बहुत है, मैं बहुत छोटी हूँ। अच्छा अच्छा, गुलबदन। मैं इंडस्ट्री में सब बॉयज को फ्रेंड जोन कर चुकी हूँ और सब गर्ल्स को चुड़ैल जोन कर चुकी हूँ। सब गर्ल्स को नहीं, एक दो रह गई। नहीं मतलब सारी ठीक है, बॉयज को फ्रेंड जोन कर चुकी हूँ, सबको कर दी। हाँ, आसिम अज़हर को छोड़। हाँ निया, मेरे अलावा आप इंडस्ट्री में कितने वर्जन को जानती हैं? बोला था फैमिली के साथ मत देखो। किसी को भी नहीं, किसी को नहीं, सारी फारिग, सारी फारिग। इत्तेफाक से मेरे पास कुछ कमेंट्स हैं यहाँ पर आपके लिए, सुनेंगे आप? जी सुने। हांडू 99 कहते हैं, हानिया आप सोशल मीडिया पे कितना खर्चा करती हैं टू बाय फॉलोअर्स? नहीं मैंने खरीदे नहीं कभी। हूतिया 000 हूतिया चे मिस हो गया मेरे ख्याल से इसमें। कभी कभी यही दिल चाहता है आगे। हानिया बर्गर है कि पेंडू? मुझे आज तक सही तरह अंदाजा नहीं हो पाया। बहुत अच्छा लेवल है मेरा दोनों का, बैलेंस है। हाँ जी, बहुत अच्छा बैलेंस। अच्छा, पेंडू में पेंडू हो जाती है? हाँ जी। अच्छा अच्छा, और बर्गरों को पेंडू बना देती हूँ। बना देती हो आप? BCMC007 पूरा मेड अप यूजर नेम लग रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सबके सब। BCMC007 कहते हैं, हानिया आप प्लीज़ मेरे भाई से शादी कर ले, उसकी शक्ल बिल्कुल ऋतिक रोशन से मिलती है, उनका नाम है शहरयार मुनव्वर। हाँ वो शहरयार काफ़ी सिमिलर है। आपने पहली दफ़ा अपने शो पे उनका नाम सही लिया ना? हाँ अच्छा, आप देखती रहती है इसका मतलब। हाँ अरे मैं कहूँगा बानवीर कहूँगा, मैं 7 दिन मोहब्बत कहूँगा मैं। हम चलते हैं अपने एक्सट्रीमली ओरिजिनल सेगमेंट की तरफ, ये तो आपको पता है क्या है, करण जौहर वाला। जो मैं नाम जो मैं वर्ड बोलूंगा और जो पहली चीज आपके दिमाग में आती है आपने मेरे मुंह पे मार देनी है। जी। अंडा पराठा, नाश्ता, गोलगप्पा, खाना, उल्लू का पटा, यासिर, बिलाल अशरफ, मैं कुबरा खान,
बहुत अच्छी। आज रजा अमीर सज्जल पहला क्रश 8th ग्रेड नाम बताएं। हसन। हसन 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 को इस पर बहुत हसद हो रहा है कि आप यहाँ पहुंच गई और वो वहीं का वहीं पछता रहा रहेगा। आखिरी क्रश कोई भी नहीं गेलॉर्ड्स। गेलॉर्ड्स एक होता है ये और फिर होते हैं गेलॉर्ड्स जो कंट्रोल करते हैं इनका सारा सोसाइटी। पहली चीज दिमाग में क्या आती नहीं बोलेंगे तानिया कैटवॉक ने कहा है कि अपना फिल्टर लगा के आज इंटरव्यू दें क्योंकि शी गेट्स इनटू ट्रबल और फिर उनकी जॉब मुश्किल हो जाता है बहुत। नहीं नहीं फेवरेट कोस्टार यासिर ही। लड़कियों में कुबरा। ओके वर्स्ट कोस्टार आपकी दही कर दी हो जिसमें कितने नाम लो आप फर्स्ट लेटर बता देंगे हम पहुंच जाएंगे। ए सोशल मीडिया वन वर्ड। सोशल मीडिया मावरा। अवार्ड फंक्शंस फजूल। पाकिस्तानी सिनेमा अच्छा। जनान के परवाज़े जुनून। जनान। उर्वा के मावरा। मावरा। शलवार कमीज की जीन की पैंट। अब शलवार कमीज। शलवार कमीज अभी वैसे आपने बच्चों के कपड़े पहने मैंने देख रहा हाँ वैसे आपको ज़ारा के वैसे पता है आपको और इकरा को बच्चों के ब्रांड इंडोर्स करने चाहिए। मुझे बबल कमर्स के जूते ही मिलते हैं है ना। हाँ जी मुझे पता था मेरा साइज नहीं मिलता। अगर आप दोनों मिलके एक ब्रांड बनाएं बच्चों के हाँ छोटे इंसानों के आप और इकरा बनाएं ना हाँ इकरा इकरा का तो हाइट बहुत ही कम है ना। इकरानिया 4'10 कुछ है मुझे 4'9 4'10 हमारे घर में भी एक दो हैं इस साइज की। हो यार के प्यार। क्या यार के प्यार क्या मतलब यार दोस्त बर्गर यार 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 के कारोबार ये कार यार कारोबार यार के साथ यार के साथ कारोबार मतलब दोस्त मिल के प्रोडक्शन हाउस बना। हाँ गुड आइडिया विजन है लड़की बच्ची के अंदर। टीवी के फिल्म क्योंकि आपने दोनों में महारत हासिल की है। फिल्म ना माहिरा हफीज खान के सबा कमर जमान। कौन सी माहिरा हफीज खान हाँ। के सबा कमर जमान दोनों बहुत अच्छी हैं। एक आपकी नहीं दोनों अच्छी हैं। दोनों अच्छी हैं है। हमजा अली अब्बासी या अहद रजा मीर या दोनों अहद रजा मीर बात बल्कि दोनों भी नहीं कुतीस शाहज़ खान दोनों शाहज खान कौन है वो जो लड़की है सिंगर नहीं है परवाज में ओ एला है पिछले साल इनमें से आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी रही। कौन सी द एम्पायर स्ट्राइक्स फ्रॉम द बैक एस वेंचुरो गेम ऑफ बोन्स फॉरेस्ट हम्प गुडविल हम्पिंग हॉट बबल गम या आर्मेगेडन। हाँ वो बेस्ट थी वैसे उसकी मुझे नाम वो याद रहा इनका उसकी लाइट अच्छी थी उसमें। हानिया अगर आप लिफ्ट में इन लोगों के साथ बंद हो जाएं तो आप इनको क्या कहेंगी या करेंगी। अरमीना राणा खान मैं कुछ भी नहीं कहूँगी कुछ तो कहेंगी नहीं वो खुद काफ़ी बातें करके मैं जवाब दे दूँगी। अच्छा बिलाल अशरफ मैं ईयरफोन्स लगा लूँगी कोई बहुत बोलते हैं आप बहुत बुरे जोक्स मारते हैं। कौन बिलाल अशरफ हाँ हाँ जी। कुबरा खान उससे पुरानी जमाने की बातें कर लेंगे चैटिंग है काफ़ी होगी ना हाँ लेकिन उनकी आधी बातें मुझे समझ नहीं आती पता नहीं क्या बोलते हैं ब्रा है ना हाँ हम देसी लोग हैं हमें समझ नहीं आता। रणबीर कपूर। रणबीर कपूर क्या कहेंगी या करेंगी हाँ नहीं ये बताएं कि हमने सुना है कि परवाज़ है जुनून के सेट पे आपने माहिरा को कटवा दिया। नहीं मैंने नहीं कर ये कौन सा जादू टोना है माहिरा पे तो कोई असर ही नहीं करती ऐसी चीज मुझे पता है मैंने कुछ नहीं किया। फिर क्या हुआ वो किसी और ने कराया होगा मैंने तो नहीं कराया। हाँ ये बताएं आप अगर फ्रेंड्स की कास्ट में होती तो कौन सा कैरेक्टर होती। कौन सा कैरेक्टर होती रेचल। इन रियल लाइफ। इन रियल लाइफ में होती मैं शायद रेचल होती। रेचल होती वेरी गुड। ये सवाल आपने सुना हुआ होगा क्योंकि मेरा फेवरेट है कि अगर 50 शेड्स ऑफ ग्रे पाकिस्तान में बनती तो आप कर लेती मिस्टर ग्रे वाला
इस सेगमेंट का नाम है जजमेंटल सेगमेंट। अच्छा, जो लोग आपको वैसे ही करते हैं तो हम भी आप कोशिश करेंगे आज आपको जज करें। आप सिगरेट पीती हैं? नहीं। आप ने कभी मुजरा देखा है? मुजरा नहीं, बहुत ख्वाहिश है। ख्वाहिश है? ख्वाहिश है। नहीं, आप नहीं, आपके साथ। आप डिस्टेंट दोस्तों की बहनों की शादियों पे भी डांस कर लेती हैं? नहीं, एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव रहती हूं। आगे चलते हैं। आपने कभी किसी किस्म का ड्रग्स किए? नहीं। आपने कभी आपका अभी हाँ सेट पे कभी आपका दिल किया कि किसी के मुंह पे रख के चपेट दूँ? हाँ हाँ, बहुत दफ़ा। क्या आपने किसी एक्टर या एक्ट्रेस का कभी रोल कटवाया? नहीं। कि इसको निकालो, इसको निकालो, वरना मैं नहीं करूँगी, बॉस मैं सीरियस हूँ, नहीं करूँगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं किया कुछ? नहीं 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 नहीं, मैं आखिरी इंसान हूँ। मुझे लग रहा है दुनिया की सबसे अच्छी खातून है ना, पे आज आ गई हैं, बिल्कुल बनी फैक्ट्री टेलर मेड मैरिज मटेरियल और एक्ट्रेस, कभी इनने कुछ ही गलत किया ही नहीं है इनने, बिल्कुल। आपने रिसेंटली जाहिद और यासिर हुसैन दोनों के साथ काम किया, जी जी, तो इनमें से कौन ज़्यादा सेक्सफुल है? सेक्स फुल ऑफ सेक्स, सोनी को पता। आपको ज़्यादा इनमें से कौन सेक्सी फुल लगता है? मतलब वो आप इंग्लिश नान मेरी टेस्ट करें ना, आप समझ तो रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब इनमें कौन सेक्सफुल है ज़्यादा? सक्सेसफुल, सेक्सी, सेक्सी फुल, इनमें फ़र्क है ना, अट्रैक्टिव कौन है ज़्यादा? हाँ, ये मैं सोच रहा था। जाहिर, ये बताएं इनमें से कौन सी लाइन आपको अच्छा डिफाइन करती है? ये हमारे यहाँ ट्रक आउट होता है और रिक्शों के पीछे जो लिखा हुआ होता है, बड़े फलसफाना बातें होती जी। आजकल की दोस्ती से अच्छी तो नसवार है। हाँ। हिम्मत है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर। हाँ। क्योंकि हानिया रिलायबल है ब्रांड लाइन, या फिर एक लीटर में 70 किलोमीटर। पहला वाला क्या था? आजकल की दोस्ती से अच्छी तो नसवार है, बोले आजकल की दोस्ती से अच्छी तो नसवार है। हानिया आमिर हर चीज पे हंसती है और मुझे भी हंसी आ रही है। आपके घर सप्लाई पेपरमिंट नसवार नहीं आई है अच्छा। जो मैं बोलूं आपने रिपीट करना है, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं नहीं, आप मेरा वाला करें, मैं आपसे खाती हूं। प्लीज सामने देखें, आप बोले नेकी से अब झोली भरो जी, झोली में ये करना है आपने, झोली भरो जी, छोड़ो ना बीमारी का बहाना कर के। ये पहली आई है जिन्होंने मुझे आके सिखाया है और मैं तो बाकी स्टार्स को तंग कर थोड़ा सा गया। आप वही करें ना जो हम करते हैं। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स एंड बॉयफ्रेंड्स। हाय गाइस, हानिया आमिर, एंड इफ यू या मेक श्योर टू सपोर्ट शोकेस टीवी, ओरिजिनल लिंक मैं टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इनके सारे वीडियोस ऐसे ही होते हैं, फनी तो होता है लेकिन थोड़ा सा ऑकवर्डनेस भी होता है, मुझे तो पसंद है ऐसा ऑकवर्ड टाइप ऑफ सेंस ऑफ ह्यूमर। एंड अगर आपको भी पसंद आया तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। एंड हानिया आमिर इज अ परफेक्ट फिट फॉर अ शो लाइक दिस, क्योंकि इसमें आपको तैयार होना पड़ता है कि आपकी बेइज्जती होने ही वाली है कुछ भी हो जाए। और आपने देखा जो इंटरव्यू का इंट्रोडक्शन था उसमें भी हानिया आमिर का बहुत मजाक उड़ाया इन्होंने, लेकिन हानिया आमिर इज़ परफेक्ट फिट क्योंकि शी डजेंट टेक एनीथिंग वेरी सीरियसली। उनके फेस को देख के पता चल रहा था कि शी वॉजेंट ऑफेंडेड एट ऑल, और आपको ऐसे ही होना पड़ता है, खुद को इतना सीरियसली लिया तो ऐसे इंटरव्यू में आपका हालत खराब हो जाएगा। बट दिस वॉज वेरी एंटरटेनिंग टू वॉच। अभी सुनते हैं कि आकाश को ये वीडियो कैसा लगा। हे गाइस, मेरा नाम है आकाश, तो मैं आज बात करने वाला हूँ हानिया आमिर फनी इंटरव्यू विथ वॉइस ओवर मैन। मैं वॉइस ओवर मैन के वीडियोस पहली बार देख रहा हूँ, बट राज ने पहले इस पे रिएक्ट भी किया और राज ने देख भी चुका है राज। तो यार सच कहूँ तो यार बहुत मजा आया, और यार इतने अजीब अजीब सवाल मतलब किए हुए हैं कि मैं यहाँ मतलब मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता और मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता आप लोगों को। लेकिन यार हानिया आमिर का जो स्माइल है ना, जो ऐसा हानिया आमिर भी खुद ऐसा शर्मा रहे कि यार
क्या करूँ मतलब। तो यार सच में बहुत फनी लगा, और हानिया मीर का मुझे एक मुझे उनको देख के हंसना रहा है, उनके मुंह पे ऐसा हंस रहे थे हाथ रख के, तो यार बहुत ही हंस रहा है सच को। तो मैंने जब वो देखा ना, तो उसके बाद वाला असाद सिद्दीकी और जारा नूर अब्बास का भी एक एपिसोड था, तो मैंने वो आधे में ही छोड़ दिया। बट मुझे तो बहुत मजा आया, अगर मैं और राज होते तो आप लोग को और मजा आता, क्योंकि मैं भी रिएक्शन देता था इसमें। लेकिन मैं भी सिर्फ रिव्यू दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा जब तक मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं जो मेरा पेंडिंग पड़ा हुआ है जारा नूर अब्बास और असाद वाला एपिसोड, वो मैं पूरा कंटिन्यू करने वाला हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि मैं उस पर भी मतलब राज को कहूँ कि इस पर भी हम लोग इस पर वीडियो बनाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय।